मफलर फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्कूल के बगल में आप देखिए आग से किस प्रकार ये जबरदस्त आग लगी है। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वसुंधरा सेक्टर 4A में भीषणा गाजियाबाद में आग से हाहाकार। स्कूल के बगल में झुग्गियों में ये आग लगी है। सिलेंडर फटने से आग लगी है और आग काफी ज्यादा फैली भी है। लोकेश हमारा संवाददाता गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। लोकेश, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? किन परिस्थितियों में आग लगी? क्या कुछ नुकसान हुआ है लोकेश? देखिए, वहाँ पर गैस सिलेंडर्स कुछ थे और उनके अंदर लीकेज हुई थी, जिसके बाद आग लगी थी। और आग का इतना भयावह रूप था कि उसने एक के बाद एक कई तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। और वहां से दो सिलेंडर रिकवर हुए हैं, जो कि इस आग की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि उन सिलेंडर के अंदर लीकेज थी और इसी वजह से आग भड़की थी। फिलहाल काबू कर लिया गया है, कोई इसमें घायल नहीं है। हाँ, लेकिन जो गरीब लोग थे उनकी कई गरीब लोगों का आशियाना उजड़ गया है। आशियाना जरूर जला है, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। शुक्रिया लोकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर मेरठ से, जहां पर वकील के चैंबर के उद्घाटन में गोली चली है। वकील के कान को छूती